क्या बोलते हैं इमरल्ड इमरल्ड एमरल्ड 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 ओके दोस्तों हमारे पास आ चुका है फायरबॉल की तरफ से दो बहुत बड़े से डिब्बे। अब फायरबॉल की वीडियो हम लोग बहुत दिनों से बना रहे हैं बट भाई इतना बड़ा डिब्बा मैंने कभी नहीं देखा है और इसके अंदर वॉच है और ये कोई ऐसे नॉर्मल वॉच नहीं है भाई, ये महिलाओं के लिए ऊपर लग्जरी वॉच है। लेकिन फायरबॉल के लग्जरी का रेट थोड़ा सा 3,000 से शुरू हो जाता है दोस्तों। वैसे वॉच का नाम है फायरबॉल्ट एमराल्ड। बॉक्स ओपन करोगे दोनों के अंदर से आपको सबसे पहले बहुत ही ज्यादा प्रीमियम सा थैला मिलने वाला है और लॉन्च भी का सही टाइम पे हो रहा है, रक्षाबंधन आने वाला है भाई। और दोस्तों फ्रेंडशिप डे भी बस अभी गया है, यहाँ पे एक गत्ता मिल रहा है आपको। एक्चुअल में एक बहुत ही प्रीमियम सा बॉक्स है जिसके नीचे यहाँ पे एक अलग सा सेक्शन है और एक ग्रीन कलर बहुत ही लग्जरी लग रहा है। दूसरा वाला देख लेते हैं। फायरबॉल ने सेम बॉक्स बनाया बट अंदर की वॉच डिफरेंट होगी। और पत्रिका है भाई, भाई शगुन का लिफाफा ही है। पीछे निकला है फायरबॉल्ट का कोलैब हुआ है स्वारोस्की के साथ। ओ माय गॉड, किसी ने सोची ना होगी। ये तो मेरे लिए सरप्राइजिंग था यार, क्योंकि स्वारोस्की एक्चुअल में बहुत ही लग्जरी ब्रांड है और ये महिलाओं का तो फेवरेट ब्रांड होता है। टॉकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस दोस्तों, शॉपिंग करके देखो हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, ये हो जाता है। ये इस प्रोडक्ट के अंदर स्वारोस्की का 12 पीस क्रिस्टल है भाई, लव्ड इट। बस ये वाला लिफाफा दूसरे वाले बॉक्स में भी था, मस्त गिफ्ट कर सकते हो। अनबॉक्स करते हैं आप सभी के लिए दोस्तों। प्रीमियम पैकेजिंग है ये तो। नीचे में चार्जिंग केबल है, ये दिल बना हुआ चार्जिंग केबल है, पहली बार देखा मैंने। फायरबॉल्ट की पत्रिका जिसके अंदर फायरबॉल्ट के खूब सारे गिफ्ट कूपन और फायरबॉल्ट ने एक नट बोल्ट दिया है, काफी सुंदर सा लग रहा है ये भी। कुछ भी कहो पैकेजिंग नेक्स्ट लेवल प्रीमियम कर दिया उन्होंने, लिटरली देखने में क्या प्रीमियम लगता है ये। यहाँ पे जब क्रिस्टल देख रहे हो, यही स्वारोस्की का क्रिस्टल है, ऊपर में और नीचे में यहाँ पे 6 पीस है। और अगर डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, डिस्प्ले थोड़ा डिफरेंट है इसका। पहले तो ये काफी डायमंड का डिजाइन वाला डिस्प्ले है और इसको टच भी करते हो तो ये फील होता है। और कंप्लीट डिस्प्ले 1.09 इंच की है। वुमेन्स वॉच ऑलरेडी छोटी होती है तो डिस्प्ले छोटा होगा, उसमें आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो। और ये जो डिस्प्ले एक्चुअल में फुल ब्राइटनेस पे है अभी और पूरा आउटडोर में विजिबल रहता है और ये HD डिस्प्ले, डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है और इसका टच रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा सा लग रहा है। और इसके अंदर ये क्राउन भी काम करता है, ब्राइटनेस कंट्रोल करना इसमें भी काम करता है, ये देखो काफी क्विक है। और बटन दबा के आप वॉच को स्लिप मोड पे डाल सकते हो और अगर मेन्यू में जाना है साइड करो और यहाँ से आप देखो सारा चीज अच्छे से काम कर रहा है। वुमेन हेल्थ वाले सारे फीचर्स भी इसके अंदर मिल जाएंगे आपको, जिसको आप अपने से कंट्रोल कर सकते हो। और अगर डिजाइन की बात करते हैं, दोनों ही वॉच बहुत प्रीमियम लगती है देखने में। ये स्टेनलेस स्टील वाला स्ट्रैप एक्चुअल में बहुत प्रीमियम लगता है, लेकिन लेदर वाला भी अच्छा है यार। बॉक्स के आपको दोनों ही स्ट्रैप मिलेंगे और वॉच कलर वाइज मुझे थोड़ी ज्यादा पसंद आ रही है ब्लू वाली, वैसे गोल्ड वाली भी काफी अच्छी लग रही है। आउटडोर में इसको लगा के देखते हैं ज्यादा प्रीमियम कौन सा लग रहा है दोस्तों। ओके, दोनों ही वॉच एक्चुअल में काफी प्रीमियम लगते हैं देखने में, मेरे हाथों में भी अच्छे से लग ही रहा है। और दोनों ही वॉच के अंदर रेस टू वेकअप भी है, जैसे मैं हाथ ऊपर करूंगा इसका डिस्प्ले आ जाता है, देखो इसमें किया इसका भी आ गया। क्राउन ऐसे से घुमाओगे तो यहाँ पे वॉच फेस भी चेंज होते हैं। फायरबॉल्ट ने एक्चुअली काफी प्रीमियम वॉच फेसेस के अंदर दिए भी हैं आपको। ये वाला वॉच फेस काफी अच्छा लग रहा है, सारे काफी अच्छे लग रहे हैं। मेरे हिसाब से ये वाली वॉच फायरबॉल्ट की वन ऑफ द बेस्ट वॉच है भाई, डिजाइन में तो कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है और टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी काफी सही चीज है। जैसे आप मीडिया स्क्रॉल करोगे तो आपके साथ नोटिफिकेशन आ रहा है इसके अंदर, देखो मेरे फोन पे कॉल आएगा यहाँ पर भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अंदर वाइब्रेशन बहुत अच्छा है देखो, तो अगर आप क्लाइंबिंग पे होगा तो डिफरेंटली पता चल जाएगा। और वॉच के मेन्यू में आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ से आप म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो। म्यूजिक प्ले करता हूँ, म्यूजिक बज रहा है, पॉज, नेक्स्ट, नेक्स्ट। और अच्छी बात है कि हर टैप पे वाइब्रेट करता है और वाइब्रेशन इंटेंसिटी भी बहुत अच्छी है इसकी। वेदर रिपोर्ट भी ले सकते हो यहाँ से और सेटिंग्स के अंदर वाइब्रेशन को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। और इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग भी है, तो अगर आप चार्ज करना चाहो तो आराम से हो जाएगा। वॉच चार्ज होती तो फूल भाई बनता रहता है, मस्त ऐसे बारबी वाला थीम है इसके अंदर भाई। वाटर प्रूफिंग भी मिलती है इसके अंदर, IP68 की रेटिंग है, तो अगर आप इसको पहन के स्विमिंग कर लेते हो या फिर नहा हुआ लेते हो तो वॉच को कोई इशू नहीं होगी। अच्छी बात यह है कि भाई इसको आप धो सकते हो, पानी वाई नहीं जाएगा, खराब नहीं होगी वॉच। बट ये जो मेटालिक स्ट्रैप है भाई, इसके अंदर पानी चला जाएगा तो थोड़ा इसको हटा के साफ करना या फिर इसको पोंछना जल्दी। और अगर बैटरी के बारे में बात करें तो इसकी जो बैटरी है 5 दिन की बैटरी लाइफ मिलेगी आपको। अपनी कंपनी ने क्लेम किया 5 दिन की बैटरी लाइफ, अगर आप इसको थोड़ा यूज करोगे हेवी तरीके से कम 3 दिन की बैटरी लाइफ तो डेफिनेटली मिलेगी। और उसके साथ भी ये बहुत ही अच्छा बैटरी लाइफ है, क्योंकि बहुत महंगी वॉचेज में तो 1 दिन की बैटरी लाइफ मिलती है, जैसे कि एप्पल वॉच या सैमसंग वॉच। इस वाली वॉच की जो लॉन्च प्राइस आ रही है 6,000 रुपए है और डेफिनेटली इस प्राइस पे वन ऑफ द मोस्ट लग्जरी स्मार्ट वॉच है ये। और इसके साथ ये जो स्वारोस्की का डायमंड है भाई, ये थोड़ा महंगी बातचीत है तो डेफिनेटली इसकी प्राइस थोड़ी ऊपर आ चुकी है। और देखने में वॉच या इसकी पैकेजिंग भी क्रेजी गुड लगती है और इसीलिए इस वाली वॉच को डेफिनेटली आप एक ट्राई दे सकते हो। तो अगर आपको महंगी लुकिंग वॉच चाहिए इसको आप ले सकते हो, इसका बेस्ट बाइंग डिस्क्रिप्शन डाल देंगे और फर्स्ट कमेंट में पिन कर देंगे। इस वाली वीडियो को देखते रहते हैं, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। यहाँ तो देखा है भाई, सब्सक्राइब करके जाना बहन भी।